लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो संसाधनों की कमी भी आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है बस्ती जिले के एक शिक्षक ने, देखिए। हर साल लाखों लोग सिविल सर्विस में जाने का सपना देखकर यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन चंद ही ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा ही बस्ती जिले के शिक्षक दीपक कुमार मीणा ने कर दिखाया है। बस्ती जिले के शिक्षक दीपक कुमार मीणा अब IAS बन गए हैं। कल तक ये बच्चों को पढ़ाते थे और उन्हें जीवन का मंत्र देते थे, लेकिन अब ये देश की सेवा करेंगे और देश की उन्नति के लिए रणनीति तय करेंगे। परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पूरा विद्यालय और उनका परिवार आश्चर्यचकित था। दीपक की परीक्षा में चयनित होने से विद्यालय प्रबंधक समेत पूरे विद्यालय में खुशी की लहर है। इनके चयन से विद्यालय के बच्चे फूले नहीं समा रहे हैं। शिक्षक दीपक कुमार का UPSC में सिलेक्शन होते ही पूरे विद्यालय का वातावरण हर्षोल्लास से भर गया। मैं सिद्धार्थनगर था और जैसे ही मैंने सुना कि आपका IAS में सिलेक्शन हुआ है, मेरे आंखों में पानी था कि एक 24 साल का बंदा जो मोतिहारी से आकर यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहा था, आज उसका सिलेक्शन IAS में हुआ है। निश्चित तौर पर इनके माँ बाप के लिए जितना गर्व का क्षण था, उतना हमारे विद्यालय परिवार के लिए भी आज गर्व का क्षण था। सामान्य परिवार में जन्मे 27 साल के दीपक कुमार के पिता दिव्यांग हैं और मां गृहिणी हैं। पिता ने घर पर ही किराने की दुकान चलाकर दीपक सहित अन्य बच्चों को शिक्षित किया। IAS में चयनित दीपक ने परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं को लेकर कहा कि सबसे जरूरी पेशेंस है। यदि कोई भी परीक्षा देते हैं, चाहे IIT हो या कुछ भी, पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात की पेशेंस रखिए। कुछ भी कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए। पेशेंस रख के ही कुछ कर सकते हैं। UPSC परीक्षा में दीपक का चयन होने के बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। दीपक ने पहली बार में ही UPSC की इस परीक्षा में 950वीं रैंक हासिल की है। टीम न्यूज़ स्टेट।